सवाल तो बहुत आए लेकिन पढ़ेगा कौन? हमेशा मैं पढ़ता हूँ, आज भी मैं पढ़ूंगा। पहला सवाल किससे? पहला सवाल चिकू भाई से है। मानसी जी पूछते हैं कि इज बेन स्टोक्स योर फेवरेट प्लेयर? वो प्लेयर फेवरेट है ये नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम फेवरेट है, उसका नाम मैं बार बार लेता रहता हूँ। अगला सवाल मुझसे पूछा है कार्तिक भाई ने, वो पूछते हैं कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, केएल राहुल, करण जौहर या पोलार्ड? ये करण जौहर कौन है भाई? मेरा बेस्ट फ्रेंड तो केएल राहुल है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे अरे भाई तू भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओए हार्दिक ये चापलूसी है, हमारे भी सवाल पढ़, खुद के ही सवाल पढ़ रहा है। अगला सवाल आपसे ही पूछा है भाई। शर्मा जी आप ऑस्ट्रेलिया टूर में T20 ODI क्यों नहीं खेल रहे? टेस्ट में सबको बता देना कि आप फुल्ली फिट हो। T20 ODI नहीं खेल रहा हूँ तो क्या हुआ, टेस्ट में अपना बेस्ट दे दूंगा मैं। अगला सवाल भी आपके लिए, इंडिया की कैप्टनसी कब संभालोगे मुन्ना? और कैप्टनसी कोहली को संभाल ले दो, मैं तो डबल सेंचुरी मारने के लिए बना हूँ। अगला सवाल माही भाई से, रिटायरमेंट का डिसीजन लेना आसान था क्या? इतना भी आसान नहीं था जितना संदीप महेश्वरी कहते ना, फिर भी कभी ना कभी तो रिटायरमेंट लेना ही था। रोहित भाई आपसे सवाल है, अगर आपको T20 का कैप्टन बनाया जाए तो आप कैप्टनसी करोगे क्या? अरे भाई कप्तानी मिलेगी तो जरूर करूंगा। ऐसा अपने चाचा को मस्ती का, कप्तानी मैं करूंगा। हाँ भाई तू ही करना, तेरे पेट पे लात नहीं मारूंगा मैं। ए भाई अब अगला सवाल मुझसे पूछ। चिको भैया अगला सवाल आपके लिए ही है, ये पूछ रहे हैं कि RCB कब जीतेगी? यही सवाल मिला था तुझे? वैसे इसका जवाब मैं तब दूंगा जब पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अगला सवाल शास्त्री जी और दादा को है, ये पूछते हैं कि रोहित शर्मा अगर फिट है तो फिर वो T20 ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? स्टील के ग्लास की कसम इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं सिर्फ कोच हूँ, इसका जवाब गांगुली जी देंगे। ये सवाल तो लाजवाब है, इसका जवाब मैं आपको अगले मीटिंग में दूंगा। अगला सवाल मुझसे, IPL का फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में रहेगा के नहीं? कसम KL राहुल के फॉर्म की, मेरा फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा। चल चल अगला सवाल पूछ। अगला सवाल स्टीव स्मिथ से, राजस्थान अगले साल जीतेगी क्या? जीतेगी भाई क्यों नहीं जीतेगी, अगर रोहित शर्मा जीतने देगा तो। रैना भाई अब आप कौन सी टीम से खेलोगे? उसी टीम से खेलूंगा जिस टीम में माही भाई है। विराट तुम क्लीन शेव या फ्रेंच बियर्ड क्यों नहीं रखते? ये सब मेरे आईब्रोज के साथ मैच नहीं करता है इसलिए। शर्मा जी पूछते हैं शर्मा जी से, आपके 2.5 किलो की बैट कितने की है? जितने के मेरे मुंबई में 14 घर है उतने की है। पोपटलाल तुम्हारी शादी कब होगी? इसका जवाब मैं तब दूंगा जब अगले साल RCB जीत जाएगी। गब्बर भाई आपकी बसंती कब हल्ला करेगी? मेरी बसंती ऑस्ट्रेलिया में हल्ला करेगी। तो सुनील नारायण आप फील्ड में खुद को ज्यादा एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने अपने एक्स को अपने कपड़े प्रेस करने को दिए थे और अभी तक वो कपड़े उसने वापस नहीं दिए मुझे, इसलिए मैं अभी कोई एक्सप्रेस नहीं करता। रोहित से सवाल है, आपसे बड़ा बैट्समैन इंडिया में क्यों नहीं आया अभी तक? ये सवाल गलत है, बड़ा बैट्समैन तो मैं हूँ। ओए बड़ा बैट्समैन मैं हूँ। चल अपने चाचा को मस्ती का, बड़ा बैट्समैन मैं हूँ। ओए बड़ा बैट्समैन मैं हूँ। मैं हूँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मैं तो छोटा छोटा हूँ, मैं छोटा बैट्समैन हूँ। मैं भी छोटा बैट्समैन हूँ। अब आए दोनों उठ पहाड़ के नीचे। विराट और रोहित आप लोग एक दूसरे के दोस्त हो या दुश्मन? दोस्त है या दुश्मन ये नहीं मालूम, लेकिन हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। तो विराट कैप्टनशिप से संन्यास कब लोगे? जब क्रिकेट से संन्यास लूंगा और मैं खुद पे उपन्यास लिखूंगा तब संन्यास लूंगा। सवाल तो बहुत सारे हैं भाई, अब उसके जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। तब तक के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं हमें।